ठेकेदार की दबंगई रायबरेली जिला पंचायत के अधिकारियों के साथ अभद्र व्यवहार। इस ठेकेदार द्वारा कार्यालय में माहौल खराब करने का प्रयास किया गया था पहले भी, परंतु मामला दब गया। पुलिस सूत्रों की माने तो ठेकेदार फरीदपुर का पूर्व प्रधान है, जो काफी दिनों से जिला पंचायत में ठेकेदारी करता रहा है। घटना के बाद जिला पंचायत में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने ठेकेदार को हिरासत में ले लिया और जांच शुरू कर दी है। S7 की डेस्क रिपोर्ट। वो जिला पंचायत के पंजीकृत ठेकेदारों से खेती पर काम लेकर के जिला पंचायत के काम किया करता था। कहीं उसने गलत काम किया होगा या काम की गुणवत्ता ठीक ना रही होगी, तो जूनियर इंजीनियर्स ने जो है शिकायत की है कि उसने गुणवत्ता परक काम नहीं किया, हम पेमेंट उसका नहीं करेंगे। जो ओरिजिनल ठेकेदार है, जो पंजीकृत ठेकेदार है, उसने उनको मना कर दिया कि अगर गुणवत्ता के पर काम आप नहीं करोगे तो मैं तुम्हारा भुगतान नहीं करूंगा। ये जब पंजीकृत ठेकेदार ने उनसे कह दिया, तो चूंकि जेज ने पंजीकृत ठेकेदार को कहा था कि गुणवत्ता पर काम कराएंगे नहीं, मैं भुगतान नहीं करूंगा, ये जेज का काम भी है, कहना भी चाहिए, जेज ने कहा उनसे। उसके बाद जेई पर दबाव बना करके कि हमको वैसे ही काम का भुगतान कर दिया जाए, उन्होंने दबाव बनाने के लिए जेई लोग हमसे शिकायत करने आए थे कि गुणवत्ता पर काम नहीं किया जा रहा है। हमसे शिकायत सुनने के लिए मैं बैठा था कि हाँ ठीक है, आपको शिकायत है तो आप हमको बता दीजिए, ये बताने आए थे। तब तक विजय सिंह घुस करके जो है जेई को मारने का प्रयास उन्होंने किया, जिसको वहां पर चूंकि जेई की संख्या ज्यादा थी, हम लोग भी बैठे हुए थे, हम लोगों ने उनको रोक करके और पुलिस के हवाले कर दिया। आज दोपहर में अचानक एक सूचना मिली कि जिला पंचायत में एक विजय नाम का ठेकेदार है जो जेई से धक्का मुक्की कर रहा है। इस सूचना पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची तो वहां देखा कि दो जेई थे और एक विजय नाम सिपाही बैठा हुआ था। तब तक वहां गनर थे और अन्य लोग थे, उसको बैठा लिए थे। बताया गया कि पूर्व पेटी कॉन्ट्रेक्टर है और पहले से जिला पंचायत में ठेकेदारी कर रहा है, पूर्व परिचित है, जेई से आपस में किसी चीज को लेकर बात विवाद चल रही थी। ऐसी स्थिति में चूंकि विजय सिंह के पास एक पिस्टल थी, उनको बैठा लिया गया, बैठा के कोतवाली भेज दिया गया है। तहरीर के आधार पर कार्रवाई की जा रही है, किसी प्रकार की कोई वहां फायरिंग नहीं की गई है। मौके पर सारी तथ्यों की जांच की जा रही है।